देना चाहता हूँ कि शिक्षकों का कमाया हुआ पैसा है, किसी का बाप का पैसा नहीं है कि अपना नाम लेगा। और मैं यहाँ पे जब तक यहाँ पे पदाधिकारी सर, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी इससे अछूते नहीं, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सबकी मिली भगत है और हम सारे शिक्षकों का पैसे को ये लोग बंदर बांट करते हैं। साथियों, एक बार फिर से तमाम शिक्षकों का आप लोगों को प्रणाम, और साथ ही शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारीगण हैं, शिक्षक हैं, भिक्षक हैं, इस वीडियो पर ध्यान दें मैं क्या आज करने आया हूं। आज कितना तारीख है? 14 फरवरी को हम लोगों को, जैसे शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश प्राप्त है कि हम लोग को विनमित होकर अपने विद्यालय में योगदान करना है, लेकिन मैं आप लोगों से बहुत शॉर्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि जो केंद्राधीक्षक महोदय है, जो हर शिक्षकों से काम लिए हैं, ऊपर से सरकार के द्वारा पारिश्रमिक के नाम पर जो 50 रूपये रखा गया, इसके एवज में हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, शिक्षा मंत्री को हमने लेटर टाइप करके दे दिया। कुछ दिन पहले वीडियो में ये बताया था कि हमारे साथ शोषण की जो नीति चल रही है आज भी जारी है। और देखिए, थावे केंद्र डाइट में हमारे शिक्षकों का जो मानदेय है अभी तक देने में आनाकानी किया जा रहा है, और ये नाश्ता का जो पैसा है इसके द्वारा भी ये लोग गबन करते हैं। तो मैं इस पोस्ट से बता देना चाहता हूँ कि शिक्षकों का कमाया हुआ पैसा है, किसी का बाप का पैसा नहीं है कि अपना नाम लेगा। और मैं यहाँ पे जब तक यहाँ पे पदाधिकारी सर, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी इससे अछूते नहीं, इसके पहले हमने वीडियो में बताया था कि शिक्षकों का दोहन हो रहा है और शिक्षा विभाग के या इस परीक्षा से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सबकी मिली भगत है और हम सारे शिक्षकों का पैसे को ये लोग बंदर बांट करते हैं। मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ आज, और ये घोषणा के साथ ये भी अपील करता हूँ कि किसी भी केंद्र पर इस तरह की स्थिति है कि मैं वहां भी जाऊंगा और मैं सबसे पहले यहाँ का हिसाब करके जाऊंगा और यहाँ पे धरने पे बैठूंगा, अनशन पे बैठूंगा, जब तक यहाँ का दूध और पानी नहीं हो जाता है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।